जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडी डिफेंस चैनल में। दोस्तों, हमारे भारत में एक साल में जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को दोस्तों हमारा भारत करीबन 95% तक रिसाइकल कर लेता है। हो सकता है आपको इस बात पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन दोस्तों ये बात सच है। लेकिन हमारे भारत की यही रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ही अब मानव जीवन एवं पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो गई है, क्योंकि भारत में जो रिसाइकलिंग की जा रही है वह गलत प्रोसीजर एवं घातक केमिकल से की जा रही है। आज के वक्त में दोस्तों हमारा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिसाइकलिंग हब बन गया है। हो सकता है दोस्तों यह सुनने में आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसी वजह से अमीर देशों ने भारत को अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डंपिंग यार्ड बना दिया है। और दोस्तों आप यकीन मानिए, जितना तेजी से हमारे भारत में रिसाइकलिंग प्रोसेस बढ़ रही है उतने ही तेजी से खतरनाक गैसेस पर्यावरण एनवायरमेंट में फैल रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही इसके सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, जिसे हमारे भारत के ही वैज्ञानिकों ने विकसित कर दिखाया है। इसलिए दोस्तों वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों हमारे भारत में अकेले ही करीबन 2 मिलियन टन ई वेस्ट एक साल में इकट्ठे हो जाते हैं, और साथ ही इस ई वेस्ट से कई गुना ई वेस्ट दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। और दोस्तों हैरत की बात यह है कि दूसरे देशों का ई वेस्ट जो भारत में डंप होता है वो हर साल करीबन 30% की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि दोस्तों काफ़ी चिंता का विषय है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे देशों से सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि इन सभी शहरों में डिस्पोजल इनकम काफ़ी ज़्यादा है। और देखा जाए तो अकेले दिल्ली में ही करीब 25,000 से 28,000 वर्कर इन सभी ई वेस्ट की रिसाइकलिंग बिना किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल के बगैर करते हैं। जहां एक तरफ हम सभी के लिए ई वेस्ट एक कबाड़ होता है, वहीं इन रिसाइकलिंग कंपनियों के लिए यही कबाड़ किसी सोने की खान से कम नहीं होता। और ये कहना गलत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में इन सभी ई वेस्ट से गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर निकालने की टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डेवलप कर लिया गया है। इसी वजह से ये सभी रिसाइकलिंग कंपनियां अपने रिसाइकल प्रोसेस को सीक्रेट रखती हैं, और यही बड़ी वजह है दोस्तों कि बेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी आज भी केवल बड़े देशों के पास ही है। इसी वजह से अभी हाल ही में हमारे भारतीय साइंटिस्टों ने एक ऐसी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है जो कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला देगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत की CSIR यानी कि काउंसिलिंग ऑफ साइंटिस्ट रिसर्च ने अपनी एक टेक्नोलॉजी अब हमारे भारत देश की प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर करना शुरू कर चुकी हैं, और अब हमारे भारत की पहली प्राइवेट कंपनी नोवा सेना अपना रिसाइकलिंग हब जल्द ही दिल्ली NCR में लगाने वाली है। और दोस्तों ये तो बस एक शुरुआत है, अभी तो CSIR और भी कई प्राइवेट कंपनियों को अपने टेक्नोलॉजी देने वाली है। और साथ ही दोस्तों अगर सही ढंग से ई वेस्ट की रिसाइकलिंग की जाएगी तो पॉल्यूशन तो होगा नहीं, और साथ ही प्रकृति पर भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंच पाएगी। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों हमारे भारतीय साइंटिस्ट की न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।